सरकार नरेंद्र मोदी जी की और हमारी जो ये सरकार डबल इंजन की रही है मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर, किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं ज़बरदस्त कार्य हमारी सरकार ने किया है। अगर मुआवजे की बात करें, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हरियाणा के किसानों को 12.5 हज़ार करोड़ रुपया किसानों तक उनके खराबे का पहुंचाने का काम किया, जबकि पिछले 10 वर्ष के अंदर कांग्रेस के शासन के अंदर मात्र 1156 करोड़ रुपया ही किसानों की फसल के खराबे का पहुंचा है, और पूर्व की सरकार का 270 करोड़ रुपया भी ये मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। ये पहली ऐसी सरकार है जो किसान हित के अंदर लगातार मजबूती से कदम उठा रही है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर पूरे देश के अंदर लगातार पैसा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर हम देखें 2014 से पहले जितने एकड़ में किसान अपनी फसल उगाता था उससे 2 गुना ज़्यादा अब फसल अपनी वो पैदावार करने का काम कर रहा है। उसका परिणाम ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसके माध्यम से सब्सिडी दे करके, चाहे ड्रिप इरीगेशन है चाहे स्प्रिंगल इरीगेशन है, उसके माध्यम से किसानों तक पानी पहुँचाने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है, जिसका बड़ा लाभ ये किसानों को मिल रहा। और उससे आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कांग्रेस लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही थी कि MSP बंद कर देंगे, लगातार MSP भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है, और उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उसके आगे भी मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकारें पंजाब के अंदर भी रही हैं, राजस्थान के अंदर भी रही हैं, परंतु 2 फसलें जो केंद्र खरीदता था, गेहूं की और धान की, वही फसलें ही ये लोग खरीदते थे। एक भी दाना अन्य किसान का इन्होंने MSP पर नहीं खरीदा। मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदी, भावांतर भरपाई देने का काम किया, लगातार किसान को जो अन्य सब्सिडियाँ भी देने का काम हमने किसानों को किया है कि उनको सोलर पंप देने का काम किया है 5 HP 10 HP, और उसका लाभ भी हमारे किसानों ने उठाया है। और उसके बाद उनके जो कृषि संयंत्र थे, चाहे रीपर था चाहे बेलर था चाहे रूटावीटर था ट्रैक्टर था, उसको भी सब्सिडी के ऊपर किसानों तक देने का काम किया है। ऐतिहासिक काम किसान की मजबूती के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। अब हमारी जिम्मेवारी भी है हम इन कामों को और गति से आगे बढ़ाने का काम, और जो मनोहर लाल जी ने नीतियाँ बनाई हैं, योजनाएँ बनाई हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, उन सबको समाहित करते हुए किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती।